वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने मंगलवार शाम नगर निगम मुख्यालय में सामान्य प्रशासन विभाग अध्यक्ष रितेश त्रिपाठी के चेंबर का उद्घाटन किया। उन्होंने रितेश त्रिपाठी को MIC सदस्य के तौर पर विभाग का कामकाज शुरू करने पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। पदभार ग्रहण किया गया है, MIC सदस्य के रूप में इनको शामिल किया गया है और पदभार ग्रहण के अवसर पर हम लोग यहाँ पे इनको बधाई और शुभकामना देने आए थे। हम लोग सब साथ में हैं, मिल के काम करते हैं। इनके सहयोग की जरूरत हमको भी है, हमारे सहयोग की जरूरत इनको भी, और हम सब वही हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। देखो, हारने के बाद इस तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाते हैं। नगरी निकाय में तो एक सत्ता जीत हासिल कांग्रेस पार्टी ने किया है। 1 नवंबर 2000 को नया छत्तीसगढ़ राज्य बना, बनने के बाद लगभग 20 साल हो गए। इन 20 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एक राजनीतिक दल ने सभी 10 नगर निगम में कब्जा किया हो और वो कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया। अब बात आती है जिला पंचायतों में और त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव में, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ भी एक तरफा जीत हासिल कर रही है। देखिए, लोग इतनी उम्मीद कर रहे हैं तो पार्टी कुछ करके भी दिखा रही है। 1 साल हो गया कार्यकाल को और कुल 36 वायदे कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के समय किए। 36 में से 22 वायदे पूरे हो चुके हैं। प्रमुख रूप से 3 के बारे में लगातार बात होती है। एक तो धान खरीदी 2500 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान और कर्जा माफी और सभी को राशन कार्ड। 11,000 करोड़ का कर्जा माफी हुआ है और 13 लाख किसानों के खाते में पैसा दिया है। 16,30,000 कुल पंजीकृत किसान थे। धान खरीदी के मामले में 2500 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान हुआ। 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदी की गई। 80,38,000 मेट्रिक टन धान खरीदा गया। कुल 20,000 करोड़ का भुगतान हुआ। ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि पिछले साल हम लोग करीब 1 साल हो गया मंत्री बनने के बाद, सारे हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य मुख्यमंत्री जी अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, एक भी ऐसा आवेदन अब तक नहीं आया कि कोई खड़े हो कि ये बोले कि मैंने सोसाइटी में 2500 रुपये के हिसाब से धान बेचा था, मेरे को भुगतान नहीं मिला। एक भी नहीं। 16,30,000 किसानों के खाते में पैसा गया, 20,000 करोड़। राशन कार्ड की बात आती है तो हम सभी को राशन कार्ड उपलब्ध कराएंगे और नवीनीकरण का काम हो गया। नए राशन कार्ड भी बन गए, पहले 58 लाख थे, अब 65 लाख हो गए। अब इसके बाद भी यदि कोई भी व्यक्ति ये कहे कि उसको राशन कार्ड किसी भी कारण से नहीं मिल पाया हो, वो अभी भी आवेदन लगाए, अवसर समाप्त नहीं है, उसकी पात्रता की जांच करके और उसको राशन कार्ड दे दिया जाएगा। तो कुछ काम करके दिखाया है सरकार ने, और इसी कारण से इन सब बातों को लेकर जब हम नगरी निकाय में गए तो परिणाम अच्छे आए। इन्हीं सब बातों को लेकर त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव में कांग्रेस को अच्छा परिणाम मिला है। उनको विरोध करना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा काम होगा तो भी वो विरोध करेंगे, खराब होगा तो भी विरोध करेंगे। तो उनको जनादेश जिस बात का है वो अपना काम कर रहे हैं और हमको काम करना है तो सरकार अपना काम कर रही है। कवर्धा में भी इक्वल है, बराबर में है। और बाकी देखो, ये तो छाप से चुनाव नहीं है। इसमें मतलब ये कि निर्दलीय जो बहुत से कांग्रेस से नाराज हो गए, वो 2 लोग मिल के लड़ दिए, फ्रेंडली फाइट। तो इस प्रकार से होता है। अब जिला अध्यक्षों के जब चुनाव होंगे तब सही परिणाम सामने आए, जनपदों के अध्यक्ष के होंगे तब परिणाम आए। कैमरामैन ताकेश्वर साहू के साथ रविशंकर शर्मा की रिपोर्ट। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।